भोजपुरी एक्ट्रेस अन्नपूर्णा उर्फ अमृता पांडे के संदिग्ध परिस्थिति में मौत मामले में उनके शव को पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी है। एक्ट्रेस के शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने स्ट्रेगुलेशन यानी कि गला घोटने की बात सामने आई है। इसमें इस रिपोर्ट के आने के बाद एक्ट्रेस की आत्महत्या किए जाने की बात पर सवाल भी खड़ा हो गया है, क्योंकि रिपोर्ट से उसकी हत्या की पुष्टि हो रही है। गौरतलब है कि 27 अप्रैल को अमृता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई थी। उसका शव आदमपुर स्थित अपार्टमेंट के फ्लैट में फंदे से लटका बरामद किया गया है। रविवार को एक्ट्रेस के पति चंद्रमणि ने भागलपुर पहुंचने के बाद एक्ट्रेस के शव का पोस्टमार्टम कराया था और एफएसएल रिपोर्ट से अलग पोस्टमार्टम रिपोर्ट रीओपनिंग लेगी पुलिस। वही पहली नजर में भोजपुरी एक्ट्रेस की मौत को आत्महत्या ही माना जा रहा था। उसके पति और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी पूरी तरह से इस घटना को आत्महत्या बता रहे थे। एफएसएल की टीम मौके पर जांच के लिए पहुंची तो उसकी टीम ने प्रारंभिक रिपोर्ट में आत्महत्या की ही बात कही थी। दोनों रिपोर्ट के अलग होने से पुलिस उसे साफ करना चाहती है कि सच्चाई आखिर क्या है। इसके पास इसके लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर से रीओपनिंग की मांग की है। वहीं एसएसपी के निर्देश पर एसपी सिटी द्रास ने रीओपनिंग के लिए डॉक्टर को लिख दिया है। अमृता की मौत के बाद भागलपुर पहुंचे उसके पति चंद्रमणि ने बताया कि मुंबई में रहने के दौरान भी उसके दो बार आत्महत्या का उन्होंने प्रयास किया था। उन्होंने पुलिस को बताया था कि उनकी पत्नी ऑब्सेसिव कंप्लीसिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी से ग्रसित थे। बार बार एक ही तरह की बात करती थी। बाद में चंद्रमणि और अमृता के बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बात कही थी और उसकी मौत का पूरी तरह से आत्महत्या है और ऐसा उन्होंने डिप्रेशन में आने की वजह से किया। भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अन्नपूर्णा उर्फ अमृता की मौत के बाद उसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया था, जिसकी रिपोर्ट में स्ट्रेगुलेशन आया है, उनकी हत्या होने की पुष्टि हो रही है। एफएसएल रिपोर्ट में आत्महत्या की बात बताई गई है और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से रीओपनिंग की मांग की जा रही है। रीओपनिंग के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।